नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज है संडे, तो आज आ गए हम घर। वंदना तो घर आई हुई है रात की, और कल्पना भी बोल रही थी कि मुझे घर पे खेलना है सबके साथ। तो हम अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। वंदना की दादी माँ ने सब्जी बना ली है, मैं अभी रोटियां बनाऊंगी और आज शाम तक हम घर पे रहेंगे। बच्चे खेलने लग गए हैं। और वंदना की चाची जो है वो पीहर गए हुए हैं 4-5 दिन से, वो 4-5 दिन और रहेंगे, उसके बाद आएंगे। ठाबरो ल अलमारी मुड़ गई है, क्या कर रहे बेटा। अच्छा काकड़ी फाला जा, वंदना ने सीता ने बुला के लिया, जा उछल कूद कर है। ओ रवि, ओ आजा आजा, अब ठीक है। ले बैठ, खाना मंगवा, मंगवा लो, देखो बेकड़ा है। वंदना रे बेबाजी खा, आज वेट जा खा ले तू। के बात करो, खेलेंगी, खेलन की बात करोगे, कमरे के बाद वापस खेलेंगे। हाँ खेल ले, मीठू जोर को है नहीं। उछल कूद कर तो ही रहा। तो ये काकड़िया की सब्जी बनकर तैयार है। अभी मैं आटा छान लेती हूँ गेहूं का और बाजरी का। पहले गेहूं की रोटी बनाऊंगी, बाद में बाजरी की, दोनों रोटी बनाते हैं हम। ये देखिए रसोई में पंखा लगा हुआ है तो गर्मी नहीं लग रही है। ये हमारा किचन। तो दोस्तों अभी बना रही हूँ मैं रायता। ये है दही। तो सबसे पहले थोड़े प्याज काट लेते हैं। देख रहे रवि, एक आड़ चक्री खड़ा दिखा दे बा। वाह भाई वाह। तो ये दही एकदम गाढ़ा है, इसमें पहले पानी मिला लेंगे और थोड़ा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब ये बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैं तड़का लगाने के लिए एक चमचे के अंदर थोड़ा सा घी डालकर उसे गैस पे चढ़ा दिया है। गरम हो गए हैं, जीरा डाल दिए इसमें और ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे। तड़का लगाते ही ढक्कन लगा दिए है ताकि जो इसकी सुगंध है वो बाहर नहीं जाए, अच्छे से खुशबू रायते के अंदर ही रह जाए। ये देखिए रायता बनकर तैयार है। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर। चूल्हा जला दिया है और तो चढ़ा दिया है। पहले तो चढ़ा के छोड़ देते हैं ताकि गर्म हो जाए। अब आटा लगाती हूँ।
जीरो बनाओ सर जीरो बना अभी उठ के ये याद ही तो आ रहे नाथ नूप की कौन सी तो चल है अनुभव है तो पुराना आदमी ना अनुभव है कितन घी कितो घी पड़सी कितो आटा पड़सी कितनी चीनी पड़सी बना रही हूँ और हलवा की शादी में हलवा बना रही है अपनी पोतियों के लिए। वो तो थोड़ा कच्चा है। बन के तैयार है। घर में आगे ठंडो जी गांव में कितने गांव मरते पच्चीस गांव रोज की गांव में गायें कम हो गई हैं और हम भी देखते हैं कि पहले बहुत सारी गायें ऐसे रस्ते में मिलती थी अभी तो एक दो गायें ही मिल रही हैं मतलब बहुत कम हो गई है गायें देखने में भी। जिम लिखे जिम सीनो बहुत ही स्वाद बने हैं आगे है। तावड़ियां थोड़ा ही खाई है घी है ज्यादा काम को नहीं है ठीक है नहीं हाँ दही पी लिया कर बढ़िया नींद आई रायता हूँ रायता बढ़िया है बच्चों ने खाना खा लिया है मैंने पापा चाचू दादी माँ सब ने खाना खा लिया है मैंने अभी रोटी बनाकर अब खाना खा रही हूँ। आज पूरे दिन खेलेंगे संडे का पूरा फायदा खेल लिया आज आज अब तुम एक दिन तो बने खोलन का तो देना चाहिए आई तो क्या वंदना तुम भी संडे को खेल ले देख रहा तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं ये पता रही हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू। अभी क्लब ना पास में नहीं है वरना वो बाय बोलने की याद आती सुनते ही अभी वो खेलने में व्यस्त है आज।